नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। और आज जो आपके सामने जानकारी रख रहा हूँ, ये जानकारी तंत्र के उपलब्ध में है। अगर आप पे किसी प्रकार का कोई तंत्र बार बार कोई कर रहा है तो आप उसे कैसे निष्क्रिय करें और कैसे रोकें। ज़्यादातर जो कोई प्रयोग किसी को अनिष्ट करने के लिए किए जाते हैं, पूर्णिमा की या अमावस की मध्य रात्रि में किए जाते हैं। और इन्हीं शुभ अवसरों पर साधना की जाती है, साधना की शुरुआत की जाती है। ज़्यादातर जो महाकाली के उपासक हैं, बाबा भैरव के उपासक हैं, तामसिक साधनाएं करने वाले हैं, यहाँ तक कि योगिनी यक्षिणियों की साधनाएं भी अमावस्या से, पूर्णिमा से, किसी शुभ दिन से स्टार्ट की जाती हैं। तो इन्हीं दिनों में ज़्यादातर लोग अपने शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। तो यह जानकारी गुप्त थी, तो यह आपके सामने रख रहे हैं कि आप अगर शत्रु के द्वारा कोई प्रयोग किया जा रहा है तो आप उससे कैसे बचें। तो इस होली पर आपको करना क्या है, लौंग ले लेना है, दो पीस ये फूल वाले होने चाहिए, एक नींबू ले लीजिएगा, नींबू साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कहीं कोई दाग धब्बा कटा नहीं होना चाहिए, सड़ा गला नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको ले लेनी है। और घर के मुख्य दरवाजे पर, जहाँ पर आपका गेट है, आपका मुख्य दरवाज़ा है, आप एक लाल कपड़े में बांध करके आप उसे लटका दीजिएगा। अगर लाल कपड़ा आपके पास नहीं है तो कोई रुमाल वगैरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते साफ़ सुथरी या नया कपड़ा होना चाहिए। आप लटका दीजिएगा और शाम को ही संध्या के समय आप उसे लटका दीजिएगा। और आप इसको सुबह जो है पुनः खोलेंगे, खोलने के बाद पूरे परिवार के ऊपर से उतारा करेंगे। उतारा करने के बाद नींबू को कट करेंगे बीच से, कट करने के बाद उस पर लौंग और कापूर रख करके जला देंगे। इससे ये होगा कि कोई भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगी। कोई भी अगर आपके ऊपर छोड़ छोड़ता है, चलाव करता है, मूठ या किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया का प्रयोग आपके ऊपर करता है तो वह आप पे असर नहीं करेगी। कोई भी टोना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा। उन्हीं नींबू और लौंग से टकरा करके वह निष्क्रिय हो जाएगा। और जो प्रयोग पूर्व में आपके ऊपर किए गए हैं उनको हटाने के लिए आप उन नींबू और लौंग को अपने ऊपर से और अपने परिवार के ऊपर से उतारा करेंगे सात चक्कर। सात चक्कर हमने काफ़ी बार बताया है, आप उनसे, आप इसमें किसी मंत्र विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको कोई कवच नहीं पढ़ना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ लौंग कपूर से आपको उतारा करना है। और उन्हें आप जला देंगे। उसके बाद उनकी जो जले हुए नींबू हैं, लौंग हैं, उनको ले जा कर के किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। तो यह क्रिया आप जो है होली की रात को करिएगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र प्रभाव नहीं करेगा और जो पहले से प्रभाव है वह भी नष्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं।